हाउसिंग कॉलोनी स्थित मानस इंटरनेशनल स्कूल की क्लास 6 की छात्रा अद्विका कुमारी ने सैनिक स्कूल के नामांकन के लिए एग्जाम को पास कर स्कूल द्वारा चयन लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लिया है। वहीं मानस इंटरनेशनल स्कूल के संचालक राकेश कुमार ने छात्रा को बधाई देते हुए कहा कि यहां स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों के लिए अलग से क्लास की व्यवस्था भी की जाती है, जहां बच्चे नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल जैसे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वर्ष मानस का दूसरा ब्रांच बाबूडी से स्टार्ट किया गया है। अभी हमारे दोनों ब्रांच में छात्रों का नामांकन निशुल्क किया जा रहा है। My name is Advika Kumari and I study in Manas International School Housing Colony branch. I had appeared for the Sainik School examination on 28 January 2024 and this test was conducted by NTA, National Testing Agency, and students of all over India had appeared for this exam. The results had been declared yesterday 14th March 2024 and I have successfully cleared my written exam. I would like to dedicate my success to all the teachers of this school and to my parents. I would like to thank Sahadev sir who provided us extra preparatory classes on Saturdays in our school of Maths, English, Hindi, GK and Reasoning also. And I would also like to, in the end, I would like to thank the Almighty for his blessings, as it would not be possible to succeed in my exam for without his blessing. का संस्थापक हूँ। 2016 में हमने धनबाद ब्रांच को लॉन्च किया था हाउसिंग कॉलोनी में और आज हमारे पास 8 साल के बाद हमने दूसरे ब्रांच का भी इनॉग्रेशन कर दिया है और एडमिशन्स बाबूडी ब्रांच के लिए भी ऑन है। मेरा नाम सीमा सिंह है, मैं मानस इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य हूँ। धनबाद में स्कूल तो बहुत है लेकिन 21st सेंचुरी स्किल के लिए तैयार करना ये हर एक स्कूल की जिम्मेदारी है। स्कूल बिल्डिंग वाइज तो बहुत बड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे। यही नहीं, मैं तो बाहर भी था, मैं फॉरेन में भी रह चुका हूँ तो मैं काफ़ी घूम चुका हूँ काफ़ी कंट्रीज में, तो मैं ये देखता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो स्कूल्स रेडी रहते हैं लेकिन जो स्किल डेवलप बच्चों में होना चाहिए उसके प्रति स्कूल का उतना अटेंशन नहीं रहता है हर एक स्कूल का। मैं यही सोच के मैं धनबाद में आया कि नहीं, मैं एक ऐसे स्कूल का निर्माण करूँगा जो 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं इस स्कूल लाइन में करीबन 10 साल से हूँ। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल मिट्टी के घड़े होते हैं, उनको हम लोगों को शेप देना होता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी अभिभावकों को कि बच्चे में होलिस्टिक डेवलपमेंट करना जरूरी है। इस होलिस्टिक डेवलपमेंट में बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जरूर होना चाहिए, उनका सोशल इमोशनल स्किल डेवलप होना चाहिए, उनका ग्रॉस मोटर फाइन मोटर स्किल डेवलप होना चाहिए। इस तरह का जो चीजें हैं ये डेवलप करने के लिए ना तरह तरह का एक्टिविटी कराने का जरूरत है हम लोगों को, जो कि हम लोग अभी कर भी रहे हैं। और यही कारण है कि 2016 में हमने स्कूल स्टार्ट किया। 2018 में हमने धनबाद में पहली बार क्लास 3 ऑनवर्ड्स हमने कंप्यूटर कोडिंग की क्लासेस को हमने स्टार्ट कर दिया। अगर ह्यूमन रिसोर्स हमारा जो है वो अगर स्किल्ड है तो हम डेवलप कर सकते हैं। और आप देखिए इंडिया में ह्यूमन रिसोर्सेज तो हैं ही बहुत अच्छे, क्योंकि जितने भी बड़ी कंपनियां हैं वर्ल्ड की, चाहे वो गूगल हो जाए, चाहे वो फेसबुक हो जाए, चाहे वो ट्विटर हो जाए, हर जगह इंडियंस भरे हुए हैं और इंडियंस लीड कर रहे हैं। इसका मतलब कि टैलेंट तो हमारे पास है, बस उनको हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है। तो कोडिंग स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि कोडिंग आपको एक क्रिटिकली एनालाइज करने की एक कैपेबिलिटी देता है, आपको लॉजिकली डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करता है। तो जब क्लास 3 से हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे हमारे बहुत स्मार्ट हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ उनका रुझान काफी ज्यादा हो जाता है। हमारा एक और जो यूनिक प्रोपोजिशन है वो ये है कि हम लोग सैनिक स्कूल के लिए तैयार करते हैं बच्चों को क्लास 3 ऑनवर्ड। तो उसमें होता यह है कि हम रीजनिंग के लिए स्पेशल फोकस करते हैं और रीजनिंग के लिए स्पेशल क्लासेस देते हैं बच्चों को। हम मैथ्स का स्पेशल तैयारी के लिए हम लोग स्पेशल क्लासेस करवाते हैं, जीके का स्पेशल क्लासेस करवाते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं वो लेसन प्लान इसी तरह से बनाती हैं और हर स्लॉट का कुछ स्किल डेवलप करने का पर्पस होता है। मतलब कोई सर्कल टाइम में जो भी एक्टिविटी हम बच्चों का करवाते हैं उससे बच्चे का कोई ना कोई स्किल हम लोग उसका डेवलप करते हैं। इनफैक्ट प्लेट टाइम में भी जो एक्टिविटीज हम लोग रखते हैं कि ये आज एक्टिविटी कराना है प्लेट टाइम में बच्चों का, उसका भी हम लोग स्किल्स मतलब पर्पस होता है कि हम किस पर्पस से आज ये प्ले हम लोग करवा रहे हैं बच्चे का, मतलब कौन सा स्किल इससे हम लोग डेवलप करेंगे। और हम लोग पेरेंट्स को भी हम लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में देते हैं पेरेंट्स को कि हम लोग क्या करवाएं आज और किस तरह का एक्टिविटी करवाएं और उससे बच्चे में क्या स्किल डेवलप किए वो सारा कुछ हम लोग पेरेंट्स को भी देते हैं। इसके अलावा हम लोग इस साल से एक ऐसा डिसीजन हम लेने जा रहे हैं जो कि शायद इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में शायद कोई स्कूल इसको फॉलो नहीं करता होगा। वो ये है कि हमारे पास जो भी एक्सेस है टूल्स, हमारे पास जो टीचिंग एड है, जो टूल है, वो हम लोग पेरेंट्स को देने जा रहे हैं। तो जो हमारे टीचर्स यूज कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, चाहे वो टीचर मैनुअल हो,
चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो लर्निंग रिसोर्सेज हो, डिजिटल रिसोर्सेज हो, जो टीचर्स के पास एक्सेस होता है, जो कंपनियां हमें प्रोवाइड करती हैं एक्सेस ताकि टीचर्स इफेक्टिवली काम कर सके, वो सारा एक्सेस हम अपने पेरेंट्स को देने जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर कोई स्टूडेंट किसी ट्यूशन टीचर से पढ़ता है तो उस ट्यूशन टीचर को भी हम ट्रेन करने के लिए रेडी हैं। तो ये हम इस साल ये करने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ही यूनिक होगा। पेरेंट्स कंसर्न होते हैं राइटिंग को लेकर, तो मैं कहना चाहूंगी एक कॉन्सेप्ट होता है LSRW, जिसका मतलब होता है L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड देन W फॉर राइटिंग। पेरेंट्स प्लीज आप कंसर्न ना हो राइटिंग को लेकर, क्योंकि वो लास्ट में आता है। जैसे हमारा अगर आप लोगो अगर आपने देखा होगा तो उसपे तीन चीजें मेंशनड है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी और ह्यूमिलिटी। बच्चों को भी हमें यही सिखाना है और हम भी यही चाहते हैं कि बच्चे हमारे ये सीखे कि कैसे उनको वो ह्यूमिलिटी उनके अंदर वो आना चाहिए, वो विनम्रता आनी चाहिए उनमें। तो ऐसे भी कहा गया है संस्कृत में कि विद्या ददाति विनय, मतलब विद्या हमें विनम्रता देती है। तो वो विनम्रता बच्चे के अंदर लाना, वो स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देना बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम स्पिरिचुअली उनको जोड़े, बच्चों को स्पिरिचुअलिटी से उनको हम्बल बनाए, उनको इनोवेटिव बनाए, उनको क्रिएटिव बनाए, ताकि वो 21st सेंचुरी के लिए वो रेडी हो जाएं, वो अपने रियल लाइफ के लिए रेडी हो जाएं।